हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश चौधरी और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद एम के चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूं जो निकल कर आ रही है बीएसटी से संबंधित। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि क्या सर मैं बीएसटी के साथ में बीए या बीएससी कर सकता हूं, क्या मैं दो डिग्रियां एक साथ ले सकता हूं, दोनों डिग्रियां मान्य है या नहीं। इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और उससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन है उसको दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में घंटी का बटन है उसको दबाइए, ताकि जैसे ही नए वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी ऑफिशियल न्यूज़ बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग, तो जयपुर दिनांक 9 अप्रैल 2015 को ये एक आरटीआई दायर की गई थी राजस्थान सरकार, जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है अपना बीकानेर उसको। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर। विषय क्या है? विषय आप देख सकते हो दोस्तों, बीएसटीसी कोर्स के साथ स्वयं पाठी के रूप में स्नातक डिग्री करने के संबंध में। और आप यहाँ संदर्भ देख सकते हो दोस्तों, तो इसमें क्या दे रखा है दोस्तों वो आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें साफ साफ बता रखा दोस्तों, महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत बीएसटीसी कोर्स के साथ स्वयं पाठी के रूप में स्नातक डिग्री करने के संबंध में आपके संदर्भ पत्र के क्रमांक में निर्देशानुसार निवेदन है कि अलग अलग विश्वविद्यालय संस्थाओं नियमित एवं मुक्त विश्वविद्यालय से स्वयं पाठी परीक्षा के रूप में अलग अलग विषयों में नियमित एवं स्वयं पाठी छात्र के रूप में अर्जित डिग्रियां डिप्लोमा मान्य है। तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें साफ साफ दे रखा है कि आप बीएसटीसी के साथ में दोस्तों बिल्कुल आप बीए या बीएससी कर सकते हो दोस्तों, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक शर्त इन्होंने दे रखी है। पहली शर्त तो यह है कि दोस्तों, आपको दोनों में से एक ही जो कोर्स है वो रेगुलर करना होगा। जैसे आप बीएसटीसी रेगुलर कर रहे हो, तो बाकी जो बीए या बीएससी आप करना चाहते हो वो आपको प्राइवेट करनी होगी दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ दे रखा है, स्वयं पाठी के रूप में आपको करना होगा दोस्तों। और दूसरी शर्त क्या है दोस्तों, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दूसरी शर्त इन्होंने दे रखी है कि अगर आप एक ही जो विश्वविद्यालय है उससे दोनों डिग्रियाँ यहाँ पर प्राप्त नहीं कर सकते हो दोस्तों। आप जिस विश्वविद्यालय से बीएसटीसी कर रहे हो दोस्तों, उससे आप बीए या बीएससी नहीं कर सकते हो, और जिससे बीए या बीएससी कर रहे हो दोस्तों उससे आप बीएसटीसी नहीं कर सकते हो। इसमें यह साफ साफ दे रखा है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी जानकारी है और ये खुशखबरी भी आप कह सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये नियम 2015 में ही बना दिया था, तो काफ़ी स्टूडेंट को इसका पता नहीं था। तो दोस्तों, अब आराम से आप बीए या बीएससी कर सकते हो, लेकिन स्वयं पाठी के रूप में आपको करना होगा दोस्तों। और आप जो बीएसटीसी है वो नियमित रूप से आप कर सकते हो, जिस भी विश्वविद्यालय में आपका नंबर आए दोस्तों। और दोस्तों, बीएसटीसी के बाद में जब आप टीचर में आपका नंबर आ जाए, तो उसके बाद आप बीएड भी आराम से कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों बीएसटीसी के साथ में आपकी जो बीए या बीएससी आप करना चाहते हो वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद में दोस्तों, आप आराम से जो बीएड है वो कर सकते हो, क्योंकि बीएड आपको गवर्नमेंट खुद करवाएगी, वो भी निःशुल्क दोस्तों, अगर आप टीचर बन जाते हो तो दोस्तों। ये भी इसमें जानकारी दे रखी है दोस्तों। तो दोस्तों, आप निश्चिंत हो जाइए और आराम से आप बीएसटीसी कीजिए दोस्तों। काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे थे कि सर, अगर मैंने बीएसटीसी कर ली तो मैं हमेशा थर्ड ग्रेड का टीचर ही बन के रह जाऊंगा दोस्तों, मेरा आगे प्रमोशन होगा या नहीं होगा, या मैं सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनना चाहता हूँ तो बन सकता हूँ क्या? तो दोस्तों, बिल्कुल आप बन सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि आप बीएसटीसी के साथ में आप बीए या बीएससी कर सकते हो दोस्तों। लेकिन शर्तें मैंने आपको बता दी है, वो उन शर्तों को आपको फॉलो करना होगा दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों, आप बीएड भी आराम से कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, ये जानकारी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर, आप हमको इसके बारे में जल्दी से जल्दी आप कुछ जानकारी दीजिए, ताकि हम इसका आवेदन कर सकें दोस्तों, क्योंकि अभी आवेदन चल रहे हैं दोस्तों कॉलेज के, तो उससे संबंधित दोस्तों। तो दोस्तों, आप निश्चिंत होकर अपना आवेदन कर सकते हो दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन है उसको दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में घंटी का बटन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि दोस्तों जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, इस चैनल पर आपको बीएसटीसी से संबंधित हर प्रकार की न्यूज़ यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कोई लेटेस्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।